हटना जरा, खतरनाक प्राणियों। ओ यस, यार रेंज बता देना, तुम लोगों को पता चलता है रेंज? ये रेंज है, ओके सर्कुलर मोशन में यहां तक समझ में आ रहा बेटा? बताइए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कब लेना है? जब बहुत छोटा होगा तो इसे हमें वेक्टर लेना है। और यहां पर बेटा बहुत ध्यान से, हाँ बोलिए, कौन है? हाँ, जब थीटा बड़ा होगा तो, बोलो बोलो, मैं बोल रहा हूं जब बड़ा होगा तो उसे वेक्टर सोचना ही नहीं, क्योंकि वेक्टर एडिशन रूल नहीं फॉलो होता है। हमें सिंपल इतना भी समझना है, वेक्टर एडिशन रूल फॉलो नहीं होगा। देखिए वेक्टर, कोई भी क्वांटिटी वेक्टर की तरह तब होता है जब हम उसमें वेक्टर अलजेब्रा लगा सकते हैं। तो यहां पर जैसे सोच के देखिए, बहुत लोग बोलते हैं, ये मिटा दो बेटा इधर, देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर मान लीजिए यहां पर कोई बॉडी है पार्टिकल, और ये एक कंप्लीट सर्कुलर टर्न ले लिया, ऐसे करके कंप्लीट सर्कुलर टर्न लेके वापस यहां पहुंच गया, टोटल 360 डिग्री एंगल बनाया, तो हम यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे? तो हम यहाँ बोलेंगे, सबसे पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट सुनने पे ऐसा लगता है कि जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए, डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो। बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेगा तो हम बोलेंगे सर एंगल जैसे ही 10 डिग्री से बड़ा होता है, एक रेंज बताया गया है 10 डिग्री से छोटे एंगल के लिए, वहाँ पर हम लोग इसे वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। 10 डिग्री से बड़े होने पर हम इसे स्केलर मान लेते हैं। तो जैसे 360 डिग्री एंगल एक काफ़ी बड़ा एंगल है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब सिंपल एंगल बोलेंगे, यार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो 2π हुआ, यानी 360 डिग्री हुआ। यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जीरो नहीं बोलेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह तब मानना है जब बहुत ही छोटा सा एंगल, वेरी स्मॉल एंगल होता है, तब वहाँ पर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर की तरह लेते हैं, जिसमें कि वो वेक्टर अलजेब्रा का रूल फॉलो कर पाता है। क्योंकि वहाँ साइन थीटा जो होता है, जब थीटा बहुत छोटा होता है बेटा, तो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली थीटा के बराबर होता है, और उसके बाद वेक्टर के लॉ ओबे होने लगते हैं। जब एंगल बड़ा होता है तो साइन थीटा या कॉस थीटा जो है उसे हम इग्नोर नहीं कर पाते हैं। तो वो अपना प्रूफ अलग है, वो हम प्रूफ अभी नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग को सिंपल ये जानकारी रखनी है, एंगल छोटा होगा तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझेंगे, और एंगल बड़ा होता जाएगा तो हम उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को स्केलर की तरह करेंगे। ये लिख लेते हैं, ये पॉइंट है ना, यहाँ पर ये पॉइंट मैं लिखवा देता हूँ। देखिए, इफ थीटा इज नॉट वेरी स्मॉल देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर की तरह बिहेव करेगा, जिसमें वेक्टर अलजेब्रा रूल फॉलो नहीं होगा। तो यहां पर बेटा सबसे पहली बात तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कब स्केलर है कब वेक्टर है, ये आपके नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है? अगर बोलेगा एक सर्कुलर टर्न कंप्लीट करा, बताइए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, जीरो या 2π? क्योंकि जैसे ही बड़ा एंगल होगा हम इसे स्केलर मानेंगे, और जितनी बार ये टर्न करता जाएगा उतना बार 2π ऐड करते जाएंगे, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। हो गया, मिटा दूं? देखिए अब यहां पर बेटा
एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी देखिए ध्यान से बहुत आराम से, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? तो देखिए बेटा, सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी चल रहा है, सुनिएगा ध्यान से, ये बॉडी पहले ए पर है, अब बॉडी बी पर आ गया, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो यहाँ पर बेटा ये कोई ना कोई एंगल घूमेगा, जैसे मान लीजिए टी बराबर जीरो पर ये यहाँ पर है और टी बराबर टी में यहाँ पर आ गया, टी टाइम में यहाँ पर आ गया। तो एंगुलर वेलोसिटी इज़ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी होता है बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बोलो क्लियर। यहाँ पर ओमेगा बराबर होगा थीटा बाई टी, ओमेगा बराबर होगा थीटा बाई टी, एंगल अपॉन टाइम। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझना ये है कि अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें ओमेगा की, तो एसआई यूनिट होगा बेटा, एंगल का एसआई यूनिट होगा रेडियन और टाइम का होगा सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। एक अनदर यूनिट भी यूज़ करते हैं रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, एक अनदर यूनिट जो है अनदर यूनिट आरपीएम करके यूज़ करेंगे। आरपीएम, आरपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? रिवॉल्यूशन पर मिनट, है ना, इसको पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन पर मिनट। हम रिवॉल्यूशन पर मिनट देख रहे हैं यूनिट, और मुझे ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड में बदलना होगा। तो यहाँ पर बेटा 1 RPM इज इक्वल टू होता है, ध्यान दीजिएगा, 1 RPM यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो 1 रिवॉल्यूशन का मतलब एक चक्कर, एक चक्कर में तो 2π रेडियन होता है और एक मिनट में 60 सेकेंड होता है, क्लियर है ना, 60 सेकेंड होता है 1 मिनट में, क्लियर है। रिवॉल्यूशन का मतलब एक पूरा कंप्लीट टर्न, तो 2π रेडियन हो गया और 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड हो गया। तो यहाँ पर 1 RPM देखिए ये कैंसिल आउट हो गए, 30 होएगा, तो पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड, ये हमारे पास 1 RPM इक्वल टू होता है। तो अगर ऐसा कहीं यूनिट का ज़रूरत पड़ता है कि RPM में और ऐसा यूनिट में बदलना है, तो 1 RPM पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड के इक्वल होता है, क्लियर है, पहुँचो। शांति, हो गया बेटा, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत आराम से देखिए। सबसे पहली बात तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे कहता है एट एन एंगुलर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, देखिए बेटा अगर एंगुलर वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे कहता है, तो जैसे मोशन इन 1D में पढ़ते थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लाइक उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट कहता है, तो हम लोग यहाँ पर बेटा जैसे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग पढ़ते थे
डी एस ओवर डी टी पढ़ते थे ना, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पर भी बेटा एंगुलर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, जिसे हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम लोग बेटा इसे लिखेंगे डी थीटा ओवर डी टी। एंड एज वी नो द एंगल इज वेरी स्मॉल, देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर मुझे इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है कि सर किसी इंस्टेंट पे क्या एंगुलर वेलोसिटी स्केलर है या वेक्टर है, तो हम बोलते हैं वेक्टर है भाई। और अगर मुझे इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो लाइक उसी तरह से जैसे कि सर्कुलर मोशन में अगर मुझे कहेगा इस टाइम पर बताइए कि बॉडी में एंगुलर वेलोसिटी, तो हम बोलेंगे किधर घूम रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम बहुत छोटा सा एंगल सोच के चलेंगे कि इधर की तरफ घूमा और बहुत ही छोटे से टाइम में यहाँ पहुँचा, डी टी समय में यहाँ पहुँचा, तो हम बोलेंगे जिधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी उधर ही एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, तो हम बोलेंगे इस इंस्टेंट पर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होगी, इसको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर है ये अलोंग द एक्सिस। अगर इधर जा रहा होगा तो इधर की तरफ फिंगर को टर्न करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी अंदर की तरफ होगी। बहुत ही सिंपल है, क्लियर है बेटा। तो एंगुलर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और ये अलोंग द एक्सिस होती है, ठीक। फिर सुनिए, यही अगर मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ये एवरेज है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो याद करिए एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, जैसे हम लोग पढ़ते थे एवरेज वेलोसिटी होता था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो लाइक उसी तरह से यहाँ पर भी बेटा ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू होगा द टोटल एंगल या टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टोटल टाइम टेकन। ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हम कभी भी वेक्टर नहीं बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि एंगल एक अच्छा खासा घूम जाएगा, यहाँ एंगल बड़ा होता है, इसलिए हम इसे कभी भी वेक्टर फॉर्म नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं स्केलर फॉर्म है। अगर किसी टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी कहेगा तो वो वेक्टर फॉर्म होता है, क्लियर है। फिर सुनिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए, देखिए बेटा अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा हो, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, जैसे कि अगर आप याद करो हम लोग पढ़ते थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहा जाता था। यहाँ पर भी बेटा यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, पहली बात तो बेटा कि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी में क्या होगा, जैसे अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी को थोड़ा याद करें तो हम बोलते थे देखो बेटा जितने टाइम तक चल रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, मैं फिर से एक बार बात कर रहा हूँ कि जितने देर तक वो चलता है बेटा, अगर टाइम ऑफ जर्नी को इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर लें और हर इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट अगर इक्वल ट्रेवल होता था तो हम बोलते थे बॉडी ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। जैसे जितने देर भी चला, एक एक सेकंड का आपने इंटरवल बांट लिया, हर एक सेकंड में डिस्प्लेसमेंट में याद रखिएगा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, यानी मैग्नीट्यूड 1 मीटर मान लो और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आगे की तरफ, 1 मीटर फिर चला लेकिन आगे की तरफ सेम डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट सेम है इसलिए वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। लाइक उसी तरह से कि यहाँ पर बॉडी में हर यूनिट टाइम में द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम, हर इंटरवल में, हर इक्वल इंटरवल में एंगल सेम घूमेगा। और जैसी एंगल आपको सेम घूमता हुआ नजर आ रहा है तो आपको बोलना है कि भैया यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है। बोलो क्लियर है। हर यूनिट टाइम में, हर इक्वल इंटरवल में सेम एंगल घूमता चला जाएगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल पहले 1 सेकंड में 30 डिग्री, अगले 1 सेकंड में भी 30 डिग्री, अगले 1 सेकंड में भी 30 डिग्री, तो हम बोलेंगे हर इंटरवल में तो इक्वल एंगल घूम रहा है, सो बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। और इस केस में बेटा जिस तरह से हम यहाँ पर बोलते थे कि यार इसमें क्या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लाया था, नहीं यार इसमें तो सिंपली डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम से क्वेश्चन बनाया करो,
है ना, कि अगर 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है तो 2 सेकंड में कितना सामने सामने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, तो 10 × 2 बात ख़त्म हो गई, है ना, ऐसे करके बनाते थे। यहाँ कोई सेकंड इक्वेशन और मोशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि एक्सेलेशन इज जीरो। तो लाइक उसी तरह से इस केस में कभी भी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी अगर होता है तो ओमेगा बराबर थीटा बाई टी, सो थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी। अब अगर आपसे बोल देगा कि यार एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है 10 रेडियन पर सेकेंड, अच्छा तो बताओ 5 सेकेंड में कितना एंगल घूम जाएगा, तो थीटा बराबर ओमेगा टी। बेसिकली लीनियर मोशन में, सीधे सीधे वाले मोशन में, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो रोल प्ले करता है, यहाँ पर वो एंगल रोल प्ले करता है। एंगल जो रोल प्ले करता है वो यहाँ पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट रोल प्ले करता है। जो यहाँ पे वेलोसिटी रोल प्ले करता है, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी रोल प्ले करता है। आप अगर ध्यान दीजिए, s बराबर v इंटू टी है, तो s के जगह आ गया थीटा और v के जगह आ गया ओमेगा, सो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। जैसे s बराबर vt आप कब लगाते हैं, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है। लाइक उसी तरह से थीटा बराबर ओमेगा टी कब लगाएंगे, जब यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन हो रहा होगा। बोलो क्लियर हो गया, पहुँचो। शांत शांत, बेटा ये जरा ये गेट लगा देना। थोड़ा आई थिंक सो कि आप जल्दी जल्दी लिख रहे होंगे, आई थिंक सो कि आप जल्दी जल्दी लिख रहे होंगे बड़ी ईमानदारी से। मिटाएं, देखिए बेटा प्लीज, बातें नहीं भाई। एंगुलर एक्सेलरेशन बिल्कुल आराम से सुनना बेटा। एंगुलर एक्सेलरेशन, देखिए, ओ चाचा थोड़ा चुप हो जा, तेरी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। देखिए शांत, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है इसे जरा ध्यान से सुन लें। जैसे बेटा हम लोग मोशन इन 1D में पढ़ चुके थे एक्सेलरेशन, एक्सेलेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बिल्कुल उसी तरह से द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन को बेटा अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू होगा डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा इज द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, वेरी स्मॉल चेंज, तो आपको डी लिखना है, एंड डी टी इज द वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा आराम से। यहाँ पर बेटा अगर इसकी ऐसा यूनिट कही जाए तो ऐसा यूनिट होगा, देखिए ओमेगा का ऐसा यूनिट जो होगा वही चेंज इन ओमेगा का होगा रेडियन पर सेकेंड, और टाइम का है सेकेंड, तो इसकी ऐसा यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना भाई। अच्छा अब यहाँ पर बेटा सबसे ज़रूरी बात यह कि देखिए अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि एंगुलर एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट, बहुत आराम से सुनना बेटा,
एट एनी इंस्टेंट, एंगुलर एक्सेलेरेशन एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पर एंगुलर एक्सेलेरेशन, तो ऑब्वियस सी बात है डी ओमेगा बाई डी टी लिखते हैं। जैसे याद करिए ए बराबर डी वी बाई डी टी लिखा था, ए बराबर डी वी बाई डी टी लिखा था, लाइक उसी तरह से डी ओमेगा बाई डी टी। एंड इंस्टेंटीनियस एंगुलर एक्सेलेरेशन इज अ वैक्टर क्वान्टिटी, इंस्टेंटीनियस एंगुलर वेलॉसिटी क्या होता बेटा, एक वैक्टर क्वान्टिटी होता है, और हर वेक्टर क्वांटिटी का निश्चित रूप से डायरेक्शन भी होगा। लाइक यहां पर भी एंगुलर एक्सेलेरेशन एक्सिस के लॉन्ग होगा। बेसिकली क्या होता है बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकदम आराम से सुनिएगा कि इसकी डायरेक्शन किधर होगी। तो देखिए बहुत आराम से समझिएगा, देखिए मान लीजिए कि ये सर्कुलर मोशन है, ध्यान दीजिएगा बेटा, इस सर्कुलर मोशन में इधर हो रहा है और ये इधर ही जा रहा है, लेकिन बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनेगा, इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी वेलोसिटी बढ़ रही है। देखिए सबसे पहली बात तो एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज होगा तभी तो एक्सेलरेशन बोलते हैं भैया, एंगुलर वेलोसिटी शुड चेंज। यहाँ एंगुलर वेलोसिटी जैसे कि किसी इंस्टेंट पे 10 रेडियन पर सेकेंड, अगले इंस्टेंट पे 15, 20, 30 ऐसे करके चेंज हो रहा होगा। अगर बेटा ओमेगा अगर इंक्रीज कर रहा होगा, अगर ओमेगा इंक्रीजेज होता है तो हम बोलते हैं सर एंगुलर एक्सेलेरेशन भी ओमेगा की तरफ ही होगा। मतलब अगर स्पीड बढ़ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, एंगुलर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को एंगुलर स्पीड कहते हैं, अगर एंगुलर स्पीड बढ़ती जा रही है, जैसे हम फैन को स्विच ऑन करते हैं तो जीरो से एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाती है, इधर घूम रही है तो एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन इधर होगा, तो हम बोलेंगे एंगुलर एक्सेलेरेशन भी इधर ही तरफ होगा। अगर एंगुलर एक्सेलेरेशन इधर है और एंगुलर वेलोसिटी इधर है, तो याद करो आपने पढ़ा था जैसे कि वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन जब सेम डायरेक्शन में होता है तो बॉडी एक्सेलरेट करता है, स्पीड उसकी बढ़ती है। लाइक उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी इधर की तरफ है, और अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो हम बोलेंगे यार एंगुलर एक्सेलेरेशन भी सेम डायरेक्शन में इधर की तरफ होगा। अगर मान लीजिए ओमेगा यहाँ डिक्रीज हो रहा है सपोज दैट, तो हम बोलेंगे एंगुलर एक्सेलेरेशन, ये ऐसे दिखा रहे हैं मतलब इधर नहीं है, ये सब दोनों के दोनों सब एक्सिस के लॉन्ग होते हैं, ये तो हम दिखा रहे हैं बस ऐसे जैसे ओमेगा इधर की तरफ है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम बोलते हैं कि एंगुलर एक्सेलेरेशन किधर होता है, एंगुलर एक्सेलेरेशन अंदर की तरफ होगा, ओमेगा और एंगुलर एक्सेलेरेशन अपोजिट होगा। याद करिए अपोजिट में वेलोसिटी इधर होती थी और एक्सेलेरेशन इधर, तो हम बोलते थे रिटार्ड हो रहा है, स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। लाइक उसी तरह से तो आप क्या समझे, अगर ओमेगा और एंगुलर एक्सेलेरेशन सेम डायरेक्शन में तो एंगुलर स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर ओमेगा और अल्फा अपोजिट है तो एंगुलर स्पीड डिक्रीज करेगी। सिंपल कहानी है, बोलो समझ में आ रहा है, पहुंचो जरा। रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं जान ले लेंगे सब। शांत, मिटाएं। देखिए बिल्कुल आराम से सुनिएगा बेटा, देखिए बहुत आराम से सुनिएगा। अगर हमसे कहेगा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या हम ये लिख सकते हैं बेटा, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, है ना, इंस्टेंटीनियस कहता है तो डी ओमेगा बाई डी टी,
और एवरेज कहेगा तो टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, दिस इज द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत आराम से सुनते रहिएगा। यहां पर बेटा हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, अगर मान लीजिए बेटा यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है तो आप जानते हैं यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, चलिए छोड़िए उसको छोड़िए, पहले मुझे बताइए क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आप जानते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता था कि हर इक्वल इंटरवल में द चेंज इन वेलोसिटी इक्वल आती थी, हम बोलते थे हर इक्वल इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी सेम हुआ करती थी, तो हम बोलते थे यार वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बॉडी मूव कर रहा है ना। अगर एक्सेलरेशन है तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स लगता था, क्योंकि फोर्स की वजह से ही एक्सेलरेशन होता था। और एक्सेलरेशन फिर किस तरह का है भाई, तो अगर यूनिफॉर्म है तो बोलते थे देखो हर यूनिट हर इक्वल इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज सेम हो जाता है तो हम बोलते यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर हर इक्वल इंटरवल में एंगुलर वेलोसिटी में चेंज इक्वल है सेम है तो हम बोलते हैं बॉडी में यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है। बोलो समझ में आ रहा है यहाँ तक, मतलब क्या हुआ, इक्वल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, इक्वल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहां पर बेटा सुनिएगा आराम से, यानी हर इक्वल इंटरवल में एंगुलर वेलोसिटी में चेंज सेम है। रुकिए, अब आप याद करिए, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलता था तो वहां पर हम लोग 6 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे, देर आर 6 इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसकी मदद से हम उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते थे उन इक्वेशन का यूज करते थे और वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। इक्वेशंस ऑफ मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन सारे उसी इक्वेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था वही यहाँ पर भी लागू होगा, क्योंकि यहाँ पर बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन में है, जैसे वह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसी तरह से यहाँ पर यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ भी वैलिड होगा। बस याद रखिएगा बेटा, जरा एक बार फिर से करते हैं, उधर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो यहाँ कौन होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इधर जो वेलोसिटी होगी वो यहाँ कौन होगा, एंगुलर वेलोसिटी, इधर जो एक्सेलरेशन होगा वही क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, इधर जो टाइम होगा ये क्या होगा, टाइम ही होगा, एंगुलर टाइम नहीं होगा, मुझे लगा कहीं ये भी ना बोल दो। तो चलिए पहला इक्वेशन क्या था, टी टाइम बाद वेलोसिटी अगर निकालनी है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हम यहाँ बोलेंगे ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। सब वेक्टर है, मैं वेक्टर नहीं स्पेसिफिक दिखा रहा हूँ, ठीक है, सब वेक्टर समझ के चलना। दूसरा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, एस के जगह क्या लिखूँ जल्दी बताओ, एस के जगह क्या लिखूँ, थीटा बराबर फिर बोलो यू इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ क्या लिख रहे हैं ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अल्फा टी स्क्वायर, एकदम श्योर। चलिए थर्ड इक्वेशन बोलिए, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा, अगर एक्सेलरेट हो रहा होगा तो प्लस प्लस चलेगा, रिटार्ड हो रहा होगा तो, ये सब क्लियर है ना। चलिए फिफ्थ इक्वेशन बोलिए, हाँ फोर्थ क्या था, एन एथ सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा एन लिखेंगे वहाँ एस एन लिखते हैं यहाँ थीटा एन, बोली क्या था ओमेगा इनिशियल प्लस हाफ अल्फा टू एन माइनस वन, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिफ्थ इक्वेशन, तो हम बोलते थे अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू, तो यहाँ पर हम बोलेंगे ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल बाई टू, सेम डायरेक्शन में रहेगा तो प्लस प्लस, अपोजिट रहेगा तो माइनस। उसके बाद बेटा आइए नेक्स्ट आखिरी वाला, एस बराबर वी टी माइनस हाफ डे स्क्वायर, वी इज द फाइनल वेलोसिटी, तो लाइक दिस थीटा बराबर बोलिए ओमेगा फाइनल टी माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो देखिए ये 6 के 6 इक्वेशन बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने वहाँ पढ़ा था, है ना, वैसे ही
अरे बोलो, कोई घबराहट तो नहीं हो रही है? पहुंचो, आसान है भाई, बहुत आसान है। शांत, सृजन नहीं आई? हाँ बेटा, ओ अच्छा, उधर बैठ गई। हाँ बोलो बेटा, क्या आप आराम से समझ पाते हैं? चलो भाई, चलो चलो भाई, आज पढ़ना पड़ेगा। मिटाया जाए, ए भाई शांत रहो, देखिए हाँ बस, अरे रुको, मिटाए बेटा, बात नहीं करो, सुनिए, देखिए और सब कुछ छोड़िए, सब व्यर्थ है, आज आपको देखना पड़ेगा। देखिए, अच्छा एक बात बताइए, सुनिए बेटा सुनिए, अगर यही एंगुलर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ना हो, तो क्या हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। ये इक्वेशन ऑफ मोशन तो तब लगते हैं जब बॉडी में यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन हो। एक मिनट सुनिए, ध्यान से आराम से सुनिएगा। अब यहां पर बेटा जो क्वेश्चंस होते हैं सर्कुलर मोशन में, जो यहां तक के क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन उसी प्रकार के हैं जैसे कि आप मोशन इन वन डी में बनाते थे। एकदम मोशन इन वन डी में जैसे क्वेश्चन बनाते थे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता था और इक्वेशन यूज करके जैसे सवाल बनाते थे, लाइक उसी तरह का सवाल यहाँ भी मिलता है। दो चार दस क्वेश्चन अगर जो भी मिलेगा वो देखना इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। जैसे मान लीजिए, एज फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन कहा कि एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, और बोला कि यहाँ पर ये जो है, पहले ऐसे मानते हैं कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो, यानी फ्रॉम रेस्ट से ये चलना शुरू करता है, ठीक है, और यहाँ पर बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन चल रहा है। तो बोला पहले 10 सेकेंड में ये थीटा वन एंगल घूमता है, पहले 10 सेकेंड में, और अगले 10 सेकेंड में ये थीटा टू एंगल घूमता है, अगले 10 सेकंड के इंटरवल में। तो हमसे बोलता है फाइंड थीटा वन अपॉन थीटा टू। अब एक मिनट रुकिए, अगर आप याद करिए तो ऐसा क्वेश्चन आपने बनाया है। अगर आप सोच के चलिए तो मैं ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाता था, अब बोलता था देखो बेटा इनिशियल वेलोसिटी जीरो और कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा है, तो पहले 10 सेकंड में जो ये डिस्टेंस ट्रैवल करा वो एक्स मैंने माना या एस वन मान लिया, और अगले 10 सेकेंड में ये वाई डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो बताइए एक्स अपॉन वाई। एकदम वही है, जिसने भी मोशन इन वन डी के क्वेश्चन बनाए हैं उसको सर्कुलर मोशन में ये वाला पोर्शन का क्वेश्चन उसको बहुत इजी लगेगा। बस उसका दिमाग खुला होना चाहिए, उसका दिमाग बिल्कुल पढ़ने आना चाहिए, अरे इस तरह का सवाल तो हमने उधर बनाया है, बस वहाँ सीधा चलता है, यहाँ गोल गोल घूमता है, वहाँ सीधा चलता है, यहाँ गोल गोल घूमता है, बाकी कोई अंतर नहीं है, सब कुछ वैसे ही चलता है, है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन को बनाते कैसे थे? हम बोलते थे सर देखो यहाँ से हमें एक्स निकालने के लिए टी टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसके लिए सेकंड इक्वेशन लगाते हैं,
तो एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ डे स्क्वायर में यू जीरो, हाफ ए टी स्क्वायर में टेन का स्क्वायर हंड्रेड, और इस तरह से हंड्रेड बाई टू आ गया फिफ्टी ए। अब उसके बाद ये निकालने के लिए हम लोग स्मार्टली क्या करते थे, पूरा ही मान लेते थे कि x प्लस वाई सर टोटल डिस्टेंस मान लो, तो x प्लस वाई टोटल डिस्टेंस बराबर यू टी प्लस हाफ डे स्क्वायर यू जीरो हाफ ए और टी स्क्वायर में, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना हो गया, 10 और 10 20 400 200 ए आ गया, क्योंकि 400 बाई 2 हो जाएगा 200। अब बेटा इसमें y निकालना है तो x उधर माइनस जाएगा, तो 200 a में से 50 a सब्ट्रैक्ट करा एंड v हैव आ गया 150 a। अब मुझे कहता है रेशियो सॉल्व करो, तो x अपॉन y इज इक्वल टू हो जाएगा x की वैल्यू 50 a और y की वैल्यू हो गया 150 a, और a से कैंसिल 53 जा 150, वी हैव 1/3 आंसर। क्या उसी टाइप का या नहीं है? अगर आप देखिए वहाँ पर x है तो यहाँ थीटा 1 है, वहाँ y है तो यहाँ थीटा 2 है ना। ये अब ये सवाल है, देखिए मैं इसी पैटर्न में एक पहला सवाल बना के दिखाता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ हमने जो पढ़ा है मोशन वन डी वो बेकार नहीं गया है, काम आएगा आगे। अब देखिए इसी प्रश्न को मैं बना रहा हूँ, इसी प्रश्न को, बस मुझे इतना कॉमन सेंस आना चाहिए कि जहाँ s लिखना वहाँ थीटा लिखना है, जहाँ ओमेगा इनिशियल वेलोसिटी है वहाँ ओमेगा इनिशियल लिखना है ना। ये सारी चीज़ें एक आपका कॉमन सेंस होना चाहिए। अब देखिए मैं बोलूँगा सर यहाँ से यहाँ तक मोशन कंसीडर करो, सर देखिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो सर यहाँ पर ना टी टाइम में जो डिस्टेंस चलेगा यानी टी टाइम में जो एंगल घूमेगा उसके लिए आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, तो थीटा वन इज इक्वल टू ओमेगा यू टी प्लस हाफ डे स्क्वायर में यू मतलब ओमेगा इनिशियल जीरो, जीरो इंटू टी खत्म, हाफ अल्फा टी स्क्वायर, टेन का स्क्वायर हंड्रेड, तो कितना आएगा 50 अल्फा। लो भाई आ गया 50 अल्फा। फिर थीटा वन प्लस थीटा टू पूरा लेंगे ना यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी वो आगे के लिए इनिशियल का काम करेगा वो निकालना पड़ेगा, इससे अच्छा पूरा ही ले लो। थीटा वन प्लस थीटा टू पूरा मोशन यहाँ से यहाँ तक, इनिशियल जीरो है तो जीरो, हाफ अल्फा और टाइम कितना होगा बेटा 10 और 10 20, 20 का स्क्वायर 400, ये आ जाएगा 200 अल्फा। तो वी हैव थीटा 2 बराबर हो गया, थीटा 1 उधर माइनस में जाएगा और थीटा 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 50 है, तो ये आ जाएगा 150 अल्फा। अब देखिए मेरे पास थीटा 1 अपॉन थीटा 2 कह रहा है, तो थीटा 1 इज़ 50 अल्फा और थीटा 2 इज़ 150 अल्फा। अब आपको समझ में आ रहा है 1/3 आएगा, क्लियर हो रहा मामला? तो मैं बता रहा हूँ मोशन इन वन डी जिसने जिसने प्रैक्टिस किया है बनाया है उसको सर्कुलर मोशन में ये सेक्शन बहुत इजी लगेगा। पहुँचिए शांत, शांत बच्चों, अरे डीके तुम बहुत हंस रहे हो भाई। कृपया जल्दी शांत, ओ भाई मिटाएं, भाई आराम से मिटाएं, अच्छा बेटा बिल्कुल आराम से सुनिए। अच्छा मैंने आपसे कहा कि एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, अ बॉडी इज इन सर्कुलर मोशन
अ बॉडी इज इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन हैविंग हैविंग एंगुलर एक्सेलरेशन, हैविंग एंगुलर एक्सेलरेशन, हैविंग एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू के टी, देन फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर्ड एक्वायर्ड इन टी फ्रॉम रेस्ट, इन टी फ्रॉम रेस्ट। पहले मुझे ये बताओ, इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है? क्या बात कर रहे हो? एंगुलर एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो उससे क्या हो गया? यूनिफॉर्म नहीं है कि यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, टाइम यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, पता ना आपको? अच्छा, अल्फा कांस्टेंट नहीं होना चाहिए था ना, अल्फा वेरिएबल है। बनाओ बनाओ बनाओ, जरा मेरे कंसेप्ट हिले हुए हैं थोड़ा सा, इसे गड़बड़ हो रहा है। बनाओ जरा, बनाओ जरा, देखें कौन कौन बना रहा है। बना लिए? शांत बच्चों, देखिए कितने लोगों ने बनाया, प्लीज रेज योर हैंड। अब इतने हाथ से मेरा क्या होगा, अभी तो बहुत सारा हाथ चाहिए मुझे, बहुत सारे हाथ, मुझे सभी के हाथ चाहिए। बताइए, बाकी लोग ऐसा लगता पढ़े ही नहीं है। देखिए बेटा, अल्फा इक्वल टू के टी। अच्छा देखिए, वेरिएबल एक्सेलेशन है, एक्सेलेशन इज, तो कैसे अप्रोच करे भाई? अप्रोच में यहां पर अल्फा की डेफिनेशन डी ओमेगा बाई डी टी लिखेंगे, लिखेंगे ना, ऐसे ही अप्रोच करना है। वेरिएबल रहेगा तो अल्फा बराबर, और फिर डी ओमेगा बाई डी टी, और अब डी ओमेगा बराबर एक तरफ डी ओमेगा करेंगे और के टी डी टी एक तरफ, और अब हम इंटीग्रेट करेंगे। टी बराबर जीरो पर फ्रॉम रेस्ट बोल रहा है ना, और टी बराबर टी पर ओमेगा में सॉल्व करना है। डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा, लिमिट होगी जीरो से ओमेगा के बाहर, टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू, लिमिट जीरो से टी, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ओमेगा माइनस जीरो, वन बाई टू ऐसे ही, और टी अपर लिमिट टी का जगह टी रखेंगे, टी स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर खत्म, इधर भी जीरो खत्म, ओमेगा बराबर हो जाएगा हाफ के टी स्क्वायर। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। आई बात समझ में? एक सवाल और बनाओगे? लिखो, पहले इसको लिख लो भाई, कुछ लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग इसी फिराक में रहते हैं कि जैसी सॉल्यूशन मिले हम लिख लेंगे, खुद हम नहीं बनाते हैं भाई, कॉपी मेरा खराब हो जाएगा। इस कॉपी से उनके नाती पोते सब पढ़ लेंगे ना, इसलिए वो कॉपी को खराब नहीं करना चाहते हैं। आने वाली दो तीन पुस्तें तो पढ़ ही ले कम से कम। शांत ए मिटाए बेटा, देखिए प्लीज सुनिए भैया आराम से। क्वेश्चन है कि अब पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट,
विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड देन आफ्टर मूव्स विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड एंड फाइनली रिटार्ड्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन आराम से बेटा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड फाइंड द टोटल फाइंड द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 2000 रेडियन 2000 होगा अच्छा अरुण बताओ पड़ोसी तुम बताओ मनोज कुमार सिंह आज तुम्हें बोलना होगा 2000 बोलो हाँ हाँ आ रहा है कि ऐसे ही सबका सुन सुन के आ रहा है बढ़िया मैनिपुलेट कर लिया होगा किशनवीर हरदीप आ गया आपका ठीक है वेरी गुड डीके चलिए बस ध्यान दीजिए चलिए मुझे लग रहा है कि 2000 रेडियन सही आंसर है मुझे लग रहा है चलिए बनाते हैं इसको पहली बात तो कहता पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट देखिए सर्कुलर मोशन में पार्टिकल रेस्ट से चलता मान लीजिए ओमेगा जीरो है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड 10 सेकेंड तक चलता है ये 10 सेकेंड तक चलता है एंगुलर एक्सेलरेशन 10 से तो थीटा 1 मान लेते हैं इसके लिए सेकंड इक्वेशन थीटा एस पर यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर जैसा थीटा यू जीरो है हाफ अल्फा टी स्क्वायर अल्फा इज 10 और टी 10 का स्क्वायर 100 500 रेडियन 500 रेडियन तो पहले ही 10 सेकंड में चल गया उसके बाद क्या हो रहा बेटा मूव विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट 10 सेकंड अगले 10 सेकंड तक यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी चलना है तो मुझे यहां पर जो जितना भी एंगुलर वेलोसिटी होगा उसी एंगुलर वेलोसिटी चलेगा 10 सेकंड तक ये ओमेगा निकालना होगा कैसे निकालें इस मोशन का जो फाइनल होगा वही कांस्टेंट से चलेगा तो 10 सेकंड बाद फाइनल ओमेगा निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन लगाएंगे फिफ्थ अच्छा फर्स्ट लगाएंगे अच्छा पहला हाँ पहला टी समय बाद वेलोसिटी बताता है ओमेगा बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी ओमेगा इनिशियल जीरो अल्फा तो 10 है टाइम भी 10 है
तो 100 रेडियन पर सेकेंड इज द ओमेगा हो गया। अच्छी बात है भाई। अब यही जो ओमेगा होगा वो आगे के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी की तरह चलता रहेगा। तो मान लीजिए थीटा 2 एंगल घुमा 10 सेकेंड में। अच्छा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, सेकेंड इक्वेशन लगाओ या थर्ड इक्वेशन लगाओ? अच्छा थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, जब ओमेगा कांस्टेंट होता है तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। अच्छा तो थीटा 2 इक्वल टू ओमेगा टी, ओमेगा 100 और टाइम 10, 1000 रेडियन। अच्छा बेटा तीसरा वाला आपको सॉल्व करने का ज़्यादा जरूरत नहीं है, पूछो कैसे, क्योंकि देखो हमें बोल रहा रिटार्ड होकर के रुक रहा है लेकिन एक्सेलेशन नहीं दिया, देखो कितना चालाक है, हमें एक्सेलेशन नहीं दिया लेकिन देखो क्या दिया, बोला 10 सेकंड में ही रुक रहा है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। सोच के देखो 0 से 10 में रेडियन पर सेकंड 10 सेकंड में गेन किया और एक्सेलेशन 10 है, तो सोचो 10 से 0 हुआ उसी 10 सेकंड में तो एक्सेलेशन भी तो वही होगा 10। नहीं आया समझ में? यानी जितना एंगल यहाँ घुमा उतना ही एंगल घूम करके रुकेगा, तो थीटा 3 को सॉल्व करने की जरूरत, अरे यार पहले वेलोसिटी 0 से 10 होने में कितना टाइम लगा, 10 सेकंड, और एक्सेलेरेशन कितना है 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ भी देखो 10 रेडियन पर सेकंड से यहाँ पहुँचा। अब रुक भी जो रहा है फाइनली जो रुका वो भी तो 10 सेकंड में रुका, 0 से 10 हुआ तो यहाँ 10 से 0 हुआ, टाइम 10 सेकंड लगा यहाँ भी टाइम 10 सेकंड लगा, यानी अल्फा सेम होएगा बस अल्फा उल्टा होगा, रिटार्डेशन है अल्फा उल्टा होगा और एंगल सेम घूमेगा। अरे यार तो थीटा 3 इज इक्वल टू थीटा 1 के इक्वल, थीटा 1 कितना है 500 रेडियन। अब टोटल एंगल कितना होगा बेटा, तो टोटल एंगल होगा 500 और 1000, 1500 और 500, 1500 में 500 ऐड करेंगे तो 2000 रेडियन। बड़े प्यार से बहुत लोग बना नहीं पाते हैं यार, क्या करें भाई, ऐसा लगता है मोशन वंडी भूल गए पीछे का, सब भूल भुला गए। भैया शान चाचा आओ मिटाएं, ये तुम्हारी केमिस्ट्री की बुक है, देखो ऐसे ही जगह देखो मेरी नजर पड़ गई। मिटा दे, देखो प्यारे बच्चों, देखो प्यारे देखो बेटा सुनिए भैया प्लीज। अब यहां पर हमने यहां तक तो समझा बहुत अच्छे से तमीज से, अब देखिए बहुत ध्यान से रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। मैं बोलना चाहता हूँ देखिए सब लोग जानते हैं कि बेटा अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसमें जो वेलोसिटी होती है लीनियर वेलोसिटी वो टेंज, जैसे मान लीजिए इधर की तरफ घूम रहा है ऐसे, तो यहाँ पर जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो अलोंग द टेंजेंट होगी बेटा, ठीक है। जिस किसी पॉइंट पर कहेगा वहाँ पर हम लीनियर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए टेंजेंट डायरेक्शन प्लॉट कर देंगे, और टेंजेंट डायरेक्शन इधर की तरफ क्योंकि घूम इधर रहा है ना, नीचे की साइड नहीं, अगर सेंस ऐसे है तो लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट की तरफ इधर की साइड, ठीक है। अब बेटा लीनियर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर है, और इस इंस्टेंट पर अगर मैं पूछूं कि एंगुलर वेलोसिटी किधर होगा, एंगुलर वेलोसिटी नीचे या ऊपर, जल्दी बताओ, एंगुलर वेलोसिटी नीचे या ऊपर या क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, बोलो नीचे ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी सब लोग, अच्छा बाहर की तरफ, अच्छा ना एंटी क्लॉकवाइज ना ऊपर ना नीचे, ये बेसिकली बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं आउटवर्ड नॉर्मल,
नॉर्मल इस प्लेन के परपेंडिकुलर को बोल रहे हैं, और आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, ओमेगा इधर की तरफ है। अब मुझसे कहा कि भैया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, तो वेरी सिंपल। अगर बेटा रेडियस वेक्टर यहां पर ऐसे खींच दें कि दिस इज द रेडियस वेक्टर, तो यहां पर ध्यान रखिएगा बेटा, वी वेक्टर इज इक्वल टू होता है ओमेगा क्रॉस आर। डिराइव करने की आवश्यकता नहीं है, है ना, हम लोग कोई भयंकर नोट्स नहीं बना रहे हैं जिससे कि हमारा 11, 12 काम आएगा, है ना, हम लोग वो सब चीज़ से आगे निकल चुके हैं। अब वी वेक्टर बराबर ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर, लिख लो बैल बुद्धि रुको, अजीब है यार। देखिए वेलोसिटी वेक्टर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होता है, ना कि आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर, ऐसा लोग गड़बड़ कर देते हैं। वी वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, रुकिएगा आराम से मैं बोलना चाहता हूं। अगर मैग्नीट्यूड कहेगा तो वी बराबर ओमेगा आर, वी इज द वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दैट इज कॉल्ड स्पीड, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज स्पीड, ओमेगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड ओमेगा दैट इज कॉल्ड एंगुलर स्पीड, आर इज द रेडियस, तो वी बराबर ओमेगा आर वेक्टर फॉर्म कहेगा तो ये, और अगर ओनली मैग्नीट्यूड रिलेशन रहेगा तो वी बराबर आर ओमेगा, या ओमेगा एक ही बात है ना। यहां पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं बोलना चाह रहा हूं, अब डिपेंड करता है कि ये बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है या नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। जैसे हो सकता है अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एंगुलर वेलोसिटी से घूमे, तो देखिए बेटा यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो कभी भी सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है, कभी भी। मैं मेरी बात सुनिएगा, वर्डिंग्स थोड़ा सा इधर उधर जाएगा तो ना आप कंफ्यूज जाएंगे। अगर आपसे सवाल पूछे कि सर्कुलर मोशन में क्या लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट रह पाएगा, तो हम बोलते हैं कभी नहीं रहेगा। लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन बार बार बदलता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ये टेंजेंट डायरेक्शन में होता है। तो हम बोलते हैं कि अगर बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो क्या बॉडी की लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो हम बोलते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ रही है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है सर्कुलर मोशन में, लेकिन लीनियर वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी, अगर मान लो एक बार को मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दैट इज कॉल्ड द स्पीड, वो स्पीड कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकेंड, चलो ठीक है, लेकिन वेलोसिटी तो कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती है। एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे चल सकती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से कभी नहीं चल पाएगी, डायरेक्शन बार बार बदल रहा है। बोलो क्लियर है यहां तक? तो ये तो दम क्लियर हो गया बेटा कि यहां डायरेक्शन बार बार बदलता है ना, समझ में आ रही बात। अब यहां पर बेटा डायरेक्शन बार बार बदलता है, लेकिन अगर आपसे बोले एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो बोलते हैं हाँ ठीक है, हर इक्वल इंटरवल में इक्वल एंगल एंगल घूमता जाएगा, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। बोले यहां तक समझ में आ रहा है? अब मुझे एक बात समझाओ, हम बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है। अब सोचो लीनियर वेलोसिटी बदल रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी तो बदल रहा है, इसका मतलब देयर शुड बी द एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। नहीं आया, वेलोसिटी चेंज हो रही है, अरे वेलोसिटी चेंज हो रही है, मानते हो? अरे वेलोसिटी चेंज हो रही है, अरे वेलोसिटी का मतलब लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को मैं स्पेशली नाम दूंगा एंगुलर वेलोसिटी, और लीनियर वेलोसिटी को सिंपली कॉल्ड वेलोसिटी। बोलो क्लियर? क्या इस सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कभी कांस्टेंट रह पाएगी? और हम लोग बचपन में मोशन वनडी में पढ़े थे कि अगर वेलोसिटी वेरिएबल होती तो बॉडी में एक्सेलरेशन होता है, अरे पढ़ा था? क्या यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है? Yes, तो हम बोलेंगे सर एक्सेलरेशन होगा बॉडी के अंदर, बॉडी में एक्सेलरेशन होगा ना। अब एक बात सोचो बेटा, बहुत आराम से पढ़ते थे, एक जमाना था करोड़ों साल पहले जब हम लोग वेक्टर पढ़ा करते थे, याद है वेक्टर पढ़ा करते थे, है ना, आँखों में नई ऊर्जा नई उमंग, है ना, कर देंगे सपने पूरे, ठीक है, फोड़ डालेंगे सारे एग्जाम। वो नई ऊर्जा नई उमंग के साथ आप आए थे, नई शक्ति का संचार लिए है कि नहीं? वेक्टर तक तो सब शक्ति का संचार सब चलता रहता है,
वेक्टर के बाद फिर रायते फैलते हैं, फिर उसके बाद सपने टूटने शुरू होते हैं वहीं से। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैं अगर पूछ लूँ किसी से कि बेटा 5 मीटर पर सेकंड से बॉडी इधर चल रहा था, 5 मीटर पर सेकंड से इधर जाने लगा, कोई मुझे बिना पेन चलाए इतना बता सकता है कि वेलोसिटी में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बिना पेन चलाए ये बता सकता है वेलोसिटी में चेंज की डायरेक्शन क्या होगी? सो जाओ ठीक है, अरे ठीक से सो जाओ, बताइए चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट? इसमें चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछा है दोस्त, कोई बड़ा चीज नहीं पूछा है, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछा है बस। साउथ वेस्ट अच्छा, नॉर्थ वेस्ट कितने लोग बोल रहे हैं, हाथ उठाइए। नॉर्थ वेस्ट बैल बुद्धि, नॉर्थ वेस्ट तो कभी हो ही नहीं सकता, खोपड़ी है ही नहीं, भगवान ने खोपड़ी दी नहीं है, खाली गोबर भर के भेज दिया भगवान ने, गोबर भरा हुआ है खोपड़ी चलती नहीं है, न्यूरॉन भर के भेज दे तो कचु काम चलता। इधर ध्यान दो, ए एक मिनट, यहाँ चेंज इन वेलोसिटी, यार सिंपल सी बात है, कोई चीज इधर मुड़ रही है तो खींचेगा इधर ही से ना, इधर खींचेगा, अजीब बैल है भाई, इधर खींचेगा, ऐसे घूम रहा है कोई चीज तो यों खींचेगा, यों खींचेगा ऐसे, यानी चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर, एक्सेलेरेशन इधर, जिधर वेलोसिटी चेंज होता है चेंज की डायरेक्शन होती है उधर ही एक्सेलेरेशन होता है। साउथ वेस्ट वाले ठीक बोल रहे थे, पता नहीं नया लेके आते हैं, नया लेके आएंगे नॉर्थ वेस्ट, इनको तो हरा मैदान में छोड़ दो खुश हो जाएंगे, अरे भाई हरी घास मजा आ गया, जम के मजा आया। बैल बुद्धि, देखो इधर ध्यान से, यहां सुनो बेटा, मैं ये कहना चाहता हूं बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ध्यान से सुनिए, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये कहना चाहता हूं कि वेलोसिटी बार बार बदलता है तो एक्सेलरेशन होता है यहां पर, यानी सर्कुलर मोशन में जैसी कोई बॉडी होता है तो इसमें एक्सेलरेशन होता है ना। अब यहां पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूं, देखिए ध्यान से, यहां पर बेटा सर्कुलर मोशन दो हिस्सों में बांटा गया है, एक को बोलते हैं UCM और एक को बोलते हैं नॉन UCM, रुकिएगा, एक को बोलते हैं UCM और एक को बोलते हैं नॉन UCM, रुकिए। UCM का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यहां पर ये नॉन UCM, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, रुकिएगा ध्यान से, कोई लिखेगा नहीं पहले मेरी बात को सुनेगा। तो सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बांटा गया है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है और इसमें बेटा वेलोसिटी इधर है, कहा जाएगा कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जिसे हम स्पीड कहेंगे, UCM में क्या होता है, बॉडी एकदम कांस्टेंट स्पीड से घूमता है, एकदम स्पीड कांस्टेंट होगा, हर एक सेकंड में डिस्टेंस सेम ट्रेवल करेगा, तो हम बोलते हैं अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो ये UCM है। क्या है बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब, जैसे आप सोचिए कि ग्राउंड पर जो ट्रैक होता है तो कोई आदमी दौड़ रहा है एकदम कांस्टेंट स्पीड से दौड़े जा रहा है, तो दैट इज वो UCM है। या पंखा ऑन करते हैं, एक टाइम बाद पंखा फुल स्पीड में आता है, उसके बाद स्पीड चेंज होना बंद हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड UCM में है वो। जीरो से उस स्पीड तक आने में वो एक्सेलरेट हो रहा होता है, स्पीड बढ़ रहा होता है, और एक टाइम के बाद जब स्पीड कांस्टेंट होता है तो उसी से घूमता रहता है, तो कांस्टेंट स्पीड से घूमता है बिल्कुल आराम से, यानी वी कांस्टेंट हो गया, वी इज द वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, दैट इज स्पीड कांस्टेंट। तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा, किसी टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी इधर की तरफ, हर बार एंगुलर वेलोसिटी इधर की तरफ, और हर यूनिट टाइम में एंगल भी सेम घूमता रहेगा। तो हम बोलते हैं UCM में बहुत सिंपल सी बातें, दो बातें, स्पीड इज कांस्टेंट,
एंड साथ ही साथ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, है ना। अगर कोई मुझसे पूछ ले यार एंगुलर एक्सेलरेशन है क्या, तो बोलते नहीं जीरो है। क्यों भाई? अरे एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही भाई, एकदम कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होती है। देखो ना, वी कॉन्स्टेंट है, स्पीड कॉन्स्टेंट है, रेडियस भी कॉन्स्टेंट है, तो ओमेगा का मैग्नीट्यूड भी कॉन्स्टेंट है और डायरेक्शन तो है ही कॉन्स्टेंट, तो पूरी एंगुलर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होती है। इसलिए अगर पूछा जाता है इज देयर एनी एंगुलर एक्सेलरेशन, तो बोलते नो, कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होता है भाई। बोलो क्लियर? लेकिन बेटा यहां पर क्योंकि वेलोसिटी बार बार चेंज होती है, तो यहां पर एक्सेलरेशन होता है जो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। सुनिए ध्यान से, चूंकि वेलोसिटी बार बार चेंज हो रहा है ना, स्पीड की बात हो गई, समझ में आया? स्पीड विल बी कॉन्स्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी विल बी कॉन्स्टेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी जीरो। बैल बुद्धि, एंगुलर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट बोलने की आदत है, स्पीड कॉन्स्टेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट। गोबरमैन, देखो ध्यान से देखिए, स्पीड कॉन्स्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो। और अब मैं बोल रहा हूं क्या वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होगी? नहीं, वेलोसिटी वेरिएबल है। अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन होगा, यस। और वो जो एक्सेलरेशन होता है बेटा, वो सेंटर की तरफ होता है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? यस, दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हम बोलते हैं इसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से सर्कुलर पाथ पे चल पा रहा है। अच्छा एक बात सोचो, अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो देयर मस्ट बी द फोर्स, यानी कोई ना कोई फोर्स इधर लगता है, सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, जिसकी वजह से सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा। न्यूटन के लॉ के अनुसार सोचो, एक्सेलरेशन है तो फोर्स तो होना पड़ेगा ना, तो इसी यानी फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, ऑलवेज सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उसी की वजह से सर्कुलर मोशन होता है बेटा। बोलो क्लियर? तो हम बोलते हैं बॉडी में एक्सेलरेशन होता है टुवार्ड्स द सेंटर, विच इज नोन एज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फिर बॉडी पे फोर्स लगता है, एक्सेलरेशन है तो फोर्स लगेगा ऑब्वियसली, एंड द फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन लगता है, सर्कल के सेंटर की तरफ लगता है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? तो बात समझ में आई यहां तक? नॉन यूसीएम में क्या होता है बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, नॉन यूसीएम में क्या होता है? नॉन यूसीएम में स्पीड वेरिएबल होगा, स्पीड या तो स्पीड बढ़ रहा होगा या स्पीड घट रहा होगा। रुकिए ध्यान से, स्पीड इज वेरिएबल, स्पीड वेरिएबल, वी वेरिएबल, रेडियस कॉन्स्टेंट है तो ओमेगा भी वेरिएबल, और डायरेक्शन कुछ है लेकिन मैग्नीट्यूड तो ओमेगा का चेंज हो रहा है ना, तो बोलते सर यहाँ एंगुलर वेलोसिटी वेरिएबल होता है, यहाँ स्पीड क्या होता है? कॉन्स्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? कॉन्स्टेंट। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है? यस। वेलोसिटी, वेलोसिटी वेरिएबल, उसी वेलोसिटी से तो चेंज इन वेलोसिटी से एक्सेलरेशन होता है। जो एक्सेलरेशन होता है वो किधर लगता है? ओनली सेंटर की तरफ लगता है, दैट इज कॉल्ड, जो फोर्स लगेगा उसे क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां स्पीड वेरिएबल, नॉन यूसीएम स्पीड वेरिएबल, एंगुलर वेलोसिटी, अगर आप बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी वेरिएबल है तो देयर मस्ट बी द एंगुलर एक्सेलरेशन, देयर मस्ट बी द, क्या यहां एंगुलर एक्सेलरेशन है? यस सर, यहां है, यहां नहीं था, यहां है। एक काम करो, हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों, बहुत अच्छे से, पहले यहां तक लिखो तो, वरना जान दे दोगे तुम लोग। ज्यादा देर तक रोक कर नहीं रखना चाहिए, वरना लोग हाथ जो है ना वो जान देने के काम आ जाएगा, इसलिए आप लिखिए प्यार से। टाइम हो गया क्या? अच्छा ठीक है बेटा, आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, कल बातें करते हैं।